योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि कोरोना वायरस से डरे नहीं, इससे बचने के लिए एहतियाती कदम उठाएं। न्यूज चैनल आज तक पर दिए गए एक इंटरव्यू में स्वामी रामदेव ने कहा है कि मांसाहार से लोगों को बचना चाहिए, बेहद जरूरी न हो तो भीड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। इसके साथ ही नीम और कपूर जैसी सामग्रियों से घर में ही सैनिटाइजर बनाएं और इसका इस्तेमाल करें। लाइव झारखंड ब्रेकिंग अपने दर्शकों के लिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा कर रहा है। मूल रूप से कोई योग करे तो मैं कहूँगा, आपने ठीक कहा कि जिम में जाने से वहाँ संक्रमित लोगों के आने की और उनके द्वारा संक्रमण किसी भी जो भी जहाँ जिन चीज़ों को टच करते हैं उनसे होने की संभावना है। पार्क में भी जहाँ 20-30 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ कोई भी जो है अननोन आदमी आकर के या संक्रमित लोग आकर के संक्रमण फैला सकता है। और भी दूसरी एक्टिविटीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। योग में आदमी पूरी तरह से आत्मनिर्भर है और अपने आप को आइसोलेटेड करके और इसको कर सकता अपने घर में ही बैठ करके। बिल्कुल। जहाँ तक खान पान का आपने कहा तो मांसाहार से तो बचना ही पड़ेगा। मैं तो एक बहुत बड़ा शब्द आपसे कहना चाहता हूँ, अहिंसक जीवन पद्धति। माने आहार में, वाणी व्यवहार में, स्वभाव में, व्यापार में, राजनीति में, धर्म में, सब जगह अहिंसा होनी चाहिए। तो आहार में भी अहिंसा पर आधारित आहार, जिसमें किसी भी प्रकार का मांसाहार न, और खास करके जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनसे बचें जितना हो सके। अंकुरित लें, फ्रूट्स लें, सलाद लें, उसके बाद में पका हुआ भी लें तो उसके बाद खाने के बाद एक घंटा बाद पानी पिए, चबा चबा करके खाना खाएं। तो इस तरह से यदि सात्विक हम आहार लेते हैं और आहार में विटामिन सी, विटामिन सी में अब जैसे कोई दाल खा रहा है तो दाल में जो है हम लोग नींबू डाल करके ले सकते हैं, अपने फलों में हम नारंगी ले सकते हैं, और ऐसे पानी में मिला करके हम आंवले का, एलोवेरा का जूस पी सकते हैं। सुबह उठ करके या दिन में कभी भी थोड़ा गुनगुने पानी में नींबू डाला, थोड़ा अदरक का रस डाल दिया, थोड़ा दो चार तुलसी के पत्ते डाल दिए, हनी डाल दिया, ये पी लेते हैं। तो आहार में विटामिन सी और प्रोटीन, प्रोटीन में भी वापस मैं कहना चाहूँगा सबसे हेल्दी प्रोटीन है दूध में हल्दी डाल करके पियो। जिसको दूध डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर जो है जो सोयाबीन का आटा है वो 25-30% तक गेहूं के आटे में डाल के खाया जाता है, तो मैंने खुद प्रयोग किया है, तो डाइजेस्ट हो जाता है और उससे प्रोटीन पूरा मिल जाता है। तो प्रोटीन की, विटामिन सी की मात्रा पूरी होनी चाहिए। इसमें सोया बड़ी भी ले सकते हैं, जिन लोगों को मांसाहार करने की आदत है तो उनको टेस्ट भी मिल जाता है और किसी प्रकार की हानि से भी बच जाता है। कि गाँव के लोग भी सैनिटाइजर के पीछे पड़े हुए, गांव के लोग अपने कोई भी घर में हैंड वाश है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पतंजलि का लेकर के आइए, अरे जो भी आपके घर में कोई हैंड वाश है, कोई भी साबुन होगा घर में, उस साबुन का इस्तेमाल कर लें आप, और नीम का साबुन सबसे अच्छा होता है, कोई भी साबुन का इस्तेमाल कीजिए। हाथ साफ रखिए, मेन बात यह है, और संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचिए। ये तो गांव के लोगों की बात हुई, बात शहर के लोगों में जो भीड़ भाड़ के एरिया में जाते हैं उनके लिए सैनिटाइजर की जहाँ तक बात है, सच में इसमें बहुत ब्लैकमेलिंग हो रही है। तो इसमें जहाँ तक बात है, एक बहुत वैज्ञानिक बात मैं कहना चाहता हूँ चित्रा जी, अभी तक कोई ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है कि एल्कोहल से कोई कोरोना का वायरस मर जाता है। तो एल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर्स हैं, ये सामान्य बात है कि उससे जो फंगस है या बैक्टीरिया है वो जर्म्स मर जाते हैं, ये सामान्य बात है। लेकिन वो जम्स मारने वाला या जो सामान्य बैक्टीरिया, सामान्य जो फंगस है उसको मिटाने वाला काम तो हम अपने घरेलू उपचारों से भी कर सकते हैं। अपने घर में हमने मान लीजिए 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी में करीब 100 ग्राम नीम के पत्ते डाले, करीब 20 ग्राम तुलसी के लीफ से पत्ते डाल दिए, उसी के अंदर हम थोड़ा गिलोय भी डाल सकते हैं, उसमें इसको उबाल लिया, 1 लीटर का जब करीब ये 600-700 ml बच गया, तब उसके अंदर ऐसे 5-10 ग्राम ये कपूर डाल दिया, ये कपूर भी हम बाजार में मिल जाता है, शुद्ध ले लेना चाहिए, उसमें 10-1 ग्राम फिटकरी डाल दी। अब ये पानी, ये जो पानी है ये पूरा नेचुरल होममेड सैनिटाइजर तैयार हो गया।